दोस्तों हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमने अभी तक पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, प्राइमरीली एक है फैक्टराइजेशन मेथड, सो जिसमें हम जो दी गई एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। एक फैक्टराइजेशन है और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें अगर तो आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप तुरंत ही उत्तर निकाल लोगे। और दूसरी ये भी बात ध्यान में रखनी है कि सवाल में ही फैक्टराइजेशन मेथड पूछा गया है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? सो रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है बट ये हमें इस्तेमाल नहीं करना है इस सवाल में, हमें इस्तेमाल करना है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड ने लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन दी गई है इसे हम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका फैक्टर्स हमें लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। लीनियर फैक्टर मतलब ए एक्स माइनस बी इंटू सी एक्स माइनस डी के फॉर्म में, इस तरीके का कुछ। तो देखें हम इसे कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। बेसिकली इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के जरिए ही फैक्टराइज करते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अगर आप देखें तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कैपिटल बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, मैं जानबूझकर कैपिटल ए और कैपिटल बी के फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि इस सवाल में ही स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का इस्तेमाल किया गया है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको फैक्टराइज करने का ये तरीका है। पहले आप ए इंटू सी निकाल लें। जो ए और सी निकला, अभी आपको b को दो भाग में बांटना है, b1 और b2, दो भाग में, एग्जैक्टली टू पार्ट्स में। दो भाग में इसलिए बांटते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए b को हमें b1 और b2 के फॉर्म में तोड़ना है सच दैट b1 into b2 शुड गिव यू ac। ये ध्यान में रखना है, b को क्या करना है, दो भाग में बांटना है। नाउ ये दो भाग में बांटना आप इंटरनली भी कर सकते हो, एक्सटर्नली भी कर सकते हो। इंटरनली कहने का मतलब अगर मान लीजिए 13 है तो 13 को इंटरनली डिवाइड करने का मतलब हो गया 6 प्लस 5 3 प्लस 10 लाइक दैट, ये इंटरनली डिवाइड करने का हो गया। और एक्सटर्नली डिवाइड करना कैसे करना होता है, सो 14 माइनस 1 या 15 माइनस 2, ये एक्सटर्नली डिवाइड करने की बात हो गई। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड करना है। तो चलिए देखें इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सो हमारे पास ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है माइनस 4a और कैपिटल सी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, ए सी लिखना है। ए सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें माइनस 4a को कुछ ऐसा तोड़ना है जिसका सम माइनस 4a हो लेकिन प्रोडक्ट 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। चलिए देखें ऐसे कैसे होगा। अभी ac 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, इसके फैक्टर सारे लिख लेते हैं और ऐसे लिखते हैं कि पेयर्स मिले। तो पेयर्स में फैक्टर्स निकालना है कैसे, तो मान लीजिए 1 है अगर एक फैक्टर तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दो फैक्टर्स के सम हम लिख लेते हैं, तो फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1 और 4 इंटू ये, तो इनका सम, इन दो का सम क्या होगा, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, इन दो का सम ना। अब इनको चेक करना है क्या ये माइनस 4a के बराबर है, अगर है तो हम यही लेंगे अदरवाइज विल मूव ऑन। दूसरा देखते हैं, अगर 1 की जगह 2 लिख दिया तो ये बच गया 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ac, इस ac को हम इसके फैक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं सच दैट सम ऑफ द फैक्टर्स मस्ट गिव यू b कैपिटल b एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मस्ट गिव यू ac। तो हम इसको चेक कर ले रहे हैं, तो अगर आप अब चेक करोगे इसका सम हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर, माफ कीजिए 2 इंटू ए स्क्वायर, सो ये 2 है, सो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2, ये भी माइनस 4a के बराबर नहीं है। तीसरा फैक्टर अगर ये 4 है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया,
अगर इसका सम देखा जाए तो इसका सम अगर आप देखें तो ये है 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी माइनस 4 ए के बराबर नहीं है ऐसे। फिर अगर आप देखें तो इसे आप 2 ए प्लस बी और 2 ए माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस से आपको आ जाएगा कि कौन सा फैक्टर में इसको तोड़ा जाए ताकि मेरे को माइनस 4 ए मिल जाए। तो अगर आप इसका सम अभी देखें तो क्लियरली ये क्या है 2a प्लस 2b माइनस 2a, माफ कीजिए प्लस 2a माइनस 2b, जिसका सम है 4a, लेकिन हमें माइनस चाहिए, हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को माइनस में, दोनों फैक्टर्स में एक माइनस लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 ए प्लस बी इंटू माइनस 2 ए माइनस बी। ये दो फैक्टर्स में अगर तोड़े हम तो इनका प्रोडक्ट तो आपको 4 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाता है और इसका सम भी आपको माइनस 4 मिल जाता है। तो ये है हमारा फैक्टराइजेशन। तो ये दो फैक्टर्स में हमें तोड़ना है। अब देखें इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चूंकि अभी हमें ये दो फैक्टर्स मिल गए तो हम अब इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। अब मैं इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं तो 4x स्क्वायर, अब पहला फैक्टर लिख देंगे, पहला फैक्टर क्या है माइनस 2a प्लस बी एक्स और दूसरा फैक्टर क्या है माइनस 2a माइनस बी एक्स, राइट। और इसका प्रोडक्ट और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो था एज इट इज। अब इसमें से अगर आप देखें तो मैं 2x कॉमन ले सकता हूं, इन दो फैक्टर्स को क्लब कर लेंगे और इन दो फैक्टर्स को क्लब कर लेंगे तो 2x अगर आप इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 2x, ये बच गया 2x माइनस a प्लस बी, है ना। और ये यहां से a माइनस बी है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। सो इसमें से भी आप a माइनस बी कॉमन ले लें और विद इन ब्रैकेट्स यू विल गेट 2x माइनस a प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सिंपलीफाई करें तो आपको मिलेगा 2x माइनस a प्लस बी एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर आ गया 2x माइनस a माइनस बी और ये मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसके आगे क्या होगा, ये हो गया 2x माइनस a प्लस बी इक्वल्स 0 और दूसरी इक्वेशन हो गई 2x माइनस a माइनस बी इक्वल्स 0। इसको आप 1 लिख दो, इसको आप 2 लिख दो। सो फ्रॉम वन यू विल गेट x इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 2 एंड फ्रॉम टू यू विल गेट x इक्वल्स a माइनस b अपॉन 2। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर आप चाहें तो इसे वापस से इक्वेशन में डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन सही आया या नहीं, बट ये सही उत्तर है। तो x बराबर a प्लस b बाई 2 और x बराबर a माइनस b बाई 2, दो सॉल्यूशन होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो होने चाहिए, मैक्सिमम दो सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। तो ये रहा सवाल 2012 का। आगे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।